एक लड़का होता है जो ग्रेविटी कैसी तैसी मार देता है। ऐसा क्यों, मैं आपको ऐसा बताता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। एक लड़की होती है जो बेबी को बॉम करने वाली होती है, जन्म देने वाली होती है। रात को ज़्यादा डॉक्टर वगैरह होते नहीं है, तो उस एक नर्स के सहारे से वो एक बेबी को जन्म देती है। और वो जैसे ही बेबी को जन्म देती है, वो अपनी मम्मी जी के साथ में होती है। वो बेबी दुनिया में आते के साथ ही हवा में उड़ने लगता है। मतलब ये बात तो तय थी, ये लड़का नॉर्मल नहीं है और इस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। तो उसकी नानी, और उसकी नानी का नाम है नेटली, नहीं मम्मी का नाम है नेटली और नानी जी का नाम है अलीना। और वो उसे कहती है नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, उसका बाप कौन है, क्यों उसके बाप के बारे में किसी को नहीं पता, उसको खुद नहीं पता इसका बाप कौन है। और ये हंसरी होती है, कहती है कि इसको पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये ऐसे मस्ती मस्ती में ये हो गया अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड, बहरहाल इसको पालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो उसको पालना बहुत हार्ड हो रहा होता है। तो उसकी नानी को कहती है हम इसे दुनिया को नहीं दिखाएंगे, हम इसको एक सेफ जगह पे रखेंगे, मतलब अपने पास ही रखेंगे, कमरे में रखेंगे, घर में रखेंगे, ताकि इसको किसी की दिक्कत ही पता चल जाए कि जो है इस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो वो कभी उड़ जाता है, कभी कहीं चला जाता है, मतलब उस पर बगैर डालते डालोगे तो रहेगा वरना वो उड़ता ही रहेगा। तो उसकी नानी उसका बहुत ध्यान रखती है ज़्यादातर उसी बात पर, वो उससे काफ़ी प्यार करती हैं। तो कभी उसका सर ना फूटे इस वजह से वो छत पर जो है कुछ वगैरह सिल देती हैं, और सभी पे बहुत ध्यान रखती है कि ये उड़े ना बिल्कुल भी, उसे बांध कर रखती है और छत का भी ध्यान रखती है। उसकी नानी बताती है कि हमें इसको घर में रखना है, तो हमें इसके घर में उसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है, और जो है इस लड़के का नाम होता है ऑस्कर। ये ऑस्कर बड़ा हो जाता है और कहता है मम्मी मैं बाहर क्यों नहीं आ सकता हूँ। तो वो बताती है बेटा तुम सबसे अलग हो, क्योंकि तुम सुपरमैन की तरह, क्योंकि वो जो है ना कार्टून बहुत देखता था, तो वो मानता है कि मैं सुपरमैन हूँ क्योंकि मैं भी उड़ सकता हूँ। ये बात ही सही है, वो जो सोच रहा बेचारा बच्चा, लेकिन वो बाहर जाना चाहता है। तो एक दिन उसकी मम्मी नानी से नजर चुरा के उसको बाहर लेके चली जाती है, और बहुत खुश होता है कि वो बहुत रिक्वेस्ट करता था मम्मी मुझे बाहर जाना, मुझे स्कूल जाना, बच्चों के साथ में रहना, जैसे एक आम जिंदगी जी। उसकी नानी उसे मना करती है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती और इधर से बाहर लेके चली जाती हैं। तो वो उसे कुछ पहना देती हैं भारी भारी भरकम सा, ताकि वो उड़े ना, डम्बल वगैरह देती है उसकी जेब में, और वो मस्ती में घूम रहा होता है। तो इसकी नज़र बचती है, तो एक लड़की टकरा जाती है उससे। वो लड़की जैसे टकराती है, वो लड़की जो है सामान लेकर आ रही होती है, तो थोड़ा सामान गिर जाता है। तो ऑस्कर जो है उसकी पानी की बॉटल उठा देता है। वो लड़की बहुत जिद्दी होती है, मतलब इंसिस्ट करने वाली लड़की होती है। वो उसे कहती है ऑस्कर तुम्हारी, उसे जानती तो नहीं, उसे बोलती है कि तुम्हारी सजा, तुम्हें मेरे घर जाना होगा पानी की बोतल लेके। तो बेचारा ऑस्कर बिना अपनी मम्मी जी को बताए इस लड़की के साथ में चलता बनता है। इस लड़की के साथ में जैसे वो जा रहा होता है, तो वो गलती से डम्बल गिरा देता है, और वो सोचता है कि मैं पानी की बोतल लेता तो मैं उड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लड़की उसे काफ़ी अच्छी लगती है छोटी सी, वो उसे बोतल छीन लेती है, और जैसे वो बोतल उसे छीन दी है ऑस्कर की पॉप मतलब काम कर जाता है सीन, वो एकदम ग्रेविटी के साथ खत्म हो जाती है और एकदम से वो उड़ने लगता है। लेकिन लकीली ऊपर एक टीन थी, तो वो बच जाता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि प्लीज़ किसी को मत बताना। वो लड़की उसको एक पिंक बैग देती है, ताकि वो घर तक भारी भरकम सामान पहन के चला जाए। ये पिंक बैग बहुत ज़रूरी है, इसे आप याद रखना। फिर वो अपने घर पर आता है और बताता है कि मम्मी मैं एक लड़की टकराया था, ऐसा सीन हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे पिंक बैग दी थी ताकि मैं उड़ूँ ना। तो फिर समय बीतता रहता है, वक्त चलता रहता है, और फिर एक दिन उसके घर में पुलिस आती है, और वो कहती है कि हमें पता लगा कि आप एक बच्चों को कह सकते हो, मेरे बच्चों को, तो आपकी हमारी शर्त है कि आपको स्कूल भेजनी होगा, वरना पड़ोसी आप पे ऑब्जेक्शन देंगे कि आप अपने बच्चों को कह रखते हो। इतने में ऑस्कर बड़ा हो जाता है, उसकी नानी जी की डेथ हो चुकी होती है, उसकी मम्मी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है। लेकिन ऑस्कर खुश नहीं होता, अपनी मम्मी से कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ दुनिया मतलब कुछ करना चाहता हूँ, जॉब वगैरह करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पा रहा होता है। एक दिन ऑस्कर टीवी देख रहा होता है, टीवी देखते हुए एक टैलेंट शो देख रहा होता है, इंडियन आइडल नहीं देख रहा होता, वो ना ही कोई डांस डांस, वो टैलेंट शो में चला जाता है। और जैसे अपना टैलेंट दिखाता है, वो टैलेंट शो रात रात सुपर हिट हो जाता है, क्योंकि वह टैलेंट कुछ ऐसा था। अपना ऑस्कर सुपर स्टार बन जाता है, वो एक डेविड नाम के आदमी से कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और वो उससे वर्ल्ड टूर पर लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाम शोहरत और दौलत कमाता है। लेकिन वो खुश नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाता है उससे यही कहता है कि प्लीज उड़ के दिखाओ, हमारे ये करो, हम वो करो। उसकी मम्मी उससे खुश नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने वो गलत काम किया है, वो कि फेमस क्यों हुआ फालतू में। और फिर और मम्मी से कहता है मम्मी सब मैं छोड़ दूंगा, और वो डेविड चीज़ के कहता है कि मुझे मृत्यु घोषित कर दो, मतलब दुनिया को दिखा दो कि मैं मर चुका हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और वो अपने आप को मृत्यु घोषित करवाता है। न्यूज़ आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है अपनी मौत। फिर वो बड़ा हो चुका है, वो एक नई कंट्री में शिफ्ट हो चुका है, उन्हें नई दाढ़ी रख लिया, और वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। वहाँ की लड़कियाँ उसे काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि उसका नेचर बहुत बढ़िया है। एक दिन एक लड़की घर पर सर्विस देने आता है, और वो पिंक बैग पहना हुआ था। वो लड़की वही होती है जो उसे बचपन में मिली होती है, मतलब बचपन का प्यार हो गया यहाँ पे। और वो पिंक बैग देख के उसे पहचान देते हैं, क्योंकि वो पिंक बैग उन्होंने दिया था। फिर वो लड़की थोड़ी कॉल कर वगैरह काम कर रही थी, मतलब वो प्रोस्टिट्यूट हो गई थी। लेकिन ऑस्कर उस थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन उसे अंदर प्यार भी बहुत करता है। फिर वो दोनों साथ में समय वगैरह बिताते हैं, और फिर फाइनली वो दोनों एक साथ ही कंट्री में काम कर रहे होते हैं, और उनकी बात बन जाती है। और फिर जब उनकी बात बन जाती है, तो उसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। तो आइए आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक कर देना, या चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, बताना आपका क्या आप इस फिल्म को देखोगे या नहीं, ये भी बता के चले जाना। और यार कमेंट कर दिया करना, मुझे पता होना चाहिए मेरी व्यूज़ को कौन देखता है या वीडियोज़ को कौन देखता है, प्लीज़ कमेंट कर देना।